नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची बहुत पहले ही जारी कर दी है, जबकि कांग्रेस ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर अपनी चुनाव समिति की बैठक तक नहीं की है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने पिछले महीने बयान देकर ये कहा था कि 6 सितंबर तक कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी, लेकिन एक हफ्ते बीत जाने के बावजूद भी उम्मीदवारों के नाम पर अभी भी कोई भी सुगबुगाहट फिलहाल नजर नहीं आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में कांग्रेस के प्रभारी हरियाणा राज्य से आते हैं और हाल ही में दीपक बावरिया के हरियाणा में प्रभारी बनने के बाद से ही हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके करीभी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के साथ प्रभारी दीपक बावरिया की ट्यूनिंग मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा को नागवार गुजर रही है और इसी बाबत ये दोनों कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ शिकायत भी कर चुके हैं। हरियाणा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बाहरी राज्यों से पर्यवेक्षक बनाए जा रहे हैं, जिसमें हुड्डा और उदयभान की ही चल रही है, जबकि सुरजेवाला, शैलजा और किरण चौधरी इसे अपनी उपेक्षा बता रहे हैं। यही वजह है कि पहली बार खुलकर इन तमाम नेताओं ने हुड्डा की तो नहीं बल्कि प्रभारी की शिकायत कांग्रेस अध्यक्ष से की है। जिन दो महत्वपूर्ण राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने में महज 2 से 3 महीने रह गए, वहां के प्रभारी अपने राज्य की आंतरिक गुटबाजी में ही व्यस्त नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी और तीसरी सूची की घोषणा की तैयारी कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां 5 वर्ष पहले कांग्रेस की सरकार तो बन गई थी, लेकिन हालात ऐसे बने कि 1.5 वर्ष के भीतर ही उसे अपनी सरकार भी गंवानी पड़ गई। हालांकि अब बदली हुई परिस्थिति में इस बार कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने का भरोसा ज्यादा तौर पर नजर आ रहा है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस पर लगातार दूसरी बार सरकार में वापसी का दबाव बना हुआ है। ऐसे में दोनों ही राज्यों के प्रभारियों की अपने राज्य की व्यस्तता चुनावी राज्यों को संकट में न डाल देगी, चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैलने लगी है। धन्यवाद।